सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं लेके आया हूँ माइलेज टेस्ट अपनी Z900 का, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी। अगर आप पुराने व्लॉग्स में मेरे कमेंट्स देख लो तो ऐसे नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, मतलब बना तो अपनी तरफ से रहा हूँ, मुझे भी करना था माइलेज टेस्ट इसका। वैसे मुझे पता है कितना माइलेज दे रही है, बट आप लोगों को नहीं बताता, अभी आप लोग वीडियो में देख लेना प्रूफ के साथ। अभी फ़िलहाल निकला हूँ मैं थानू रोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में पेट्रोल पंप पड़ जाता है और फिलहाल मैंने घर से निकलते हुए पेट्रोल नहीं डलाया है, और दो तीन दिन से वैसे मैंने निकाली भी नहीं है, तो पेट्रोल कम ही है वैसे इसमें। सो आई थिंक लगभग 1 से 2 लीटर पेट्रोल होगा इसमें अभी फ़िलहाल, तो देखते हैं फिलहाल कितना चलती है, एंड उसके बाद हम लोग डलाएंगे इसमें 1 लीटर पेट्रोल, फिर टेस्ट करेंगे इसका कि वो कितना चलता है। तो बहुत से लोग होते हैं फुल टैंक करके करते हैं टेस्ट, फुल टैंक में हो तो जाता है, बट ये है कि मैं खाली टैंक करके करना चाह रहा, क्योंकि जब मैंने 390 का करा था ना, तो उसका खाली टैंक में आया था काफ़ी सही, तो मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि कितना आता है। अभी मैं इसे फुल टैंक नहीं करा रहा हूँ, फुल टैंक जिस टाइम पे हाईवे में जाएंगे ना राइड, उस टाइम पे करवा लें, क्योंकि फुल टैंक में इसमें कुछ करता नहीं हो जाता, ज़्यादा चलाता हूँ नहीं आजकल इसे। ड्यूक 200 में सही हो चुकी है, ड्यूक 390 में सही हो चुकी है, तो मेनली उन्हें चलाता हूँ, एंड ये तो मुश्किल ही निकलती है, तो इस वजह से मैं इसका फुल टैंक नहीं करा रहा हूँ फिलहाल। इस टाइम हाईवे राइड वगैरह जाएंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा लगभग कि कितना दे रही है ये। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये है फुल सिस्टम, योशिमुरा का एग्जॉस्ट लगा है, तो स्टॉक एग्जॉस्ट में मुझे नहीं पता कितना देती होगी माइलेज, फुल सिस्टम में 1 से 2 माइलेज कम होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और हर तरीके से मैं इसे आपको चला के दिखाने वाला हूँ, अभी फ़िलहाल मैं नॉर्मली चला रहा हूँ इसे, और घर से भी मैं लगभग 5 किलोमीटर आ चुका हूँ दूर, तो 5 किलोमीटर लगभग मैंने नॉर्मली चलाई है। अब थोड़ा फास्ट राइड करके देखेंगे इसे और फिर देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं। और इस रोड में गायों का बड़ा डर है यार, गायें रहती हैं बीच रोड में, और बहुत से लोग होते हैं जो गायों को ना गाली देने लग जाते हैं भाई, अगर उन्हें छोड़ा है तो इंसानों ने ही छोड़ा हुआ है, ऐसे नहीं है कि वो अपना आप ही कहीं से आ गई हैं बीच रोड में, उनका मन है बीच रोड में रहने का। लोग रखते हैं, गाय दूध देना छोड़ देती है तो उन्हें छोड़ देते हैं, या फिर गाय बछड़ी होगी तो रख लेंगे, बछड़ा होगा तो छोड़ देंगे, बछड़ी बछड़ा आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। तो ये भी इंसानों की गलती है जिस वजह से कि वो रोड पे हैं। बाकी अभी इसमें फ्यूल रेंज देख लो, रेंज मैंने लगा रखी है, कुछ भी नहीं आ रही है फिलहाल, रेंज डैश डैश आ रहे हैं, मतलब कि रेंज कम है काफ़ी। जब नॉर्मल रेंज दिखाने लायक इसमें पेट्रोल होता है ना, 2-3 लीटर पेट्रोल होता है, तब जाके रेंज दिखाती है, उससे डाउन हो जाता है तो रेंज नहीं आती, मतलब एक तरीके से आप ये मान लो कि रिजर्व टाइप का हो जाता है इसमें कि भाई पेट्रोल डलवा लो, वो हो जाता है। और यहाँ पे ब्लिंकर भी देख सकते हो आप, ब्लिंकर भी आ रहा है। और फिलहाल मैं इसे राइड कर रहा हूँ स्पोर्ट्स मोड में, 4 मोड आते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, रेन मोड आता है सबसे कम पावर वाला, फिर आता है रोड मोड, उसके बाद आता है स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट मोड में आपको पावरफुल मिलेगी, बट क्या है कि रेस्ट्रिक्शन रहती है कि आपका फ्रंट टायर लिफ्ट नहीं होगा, मतलब ट्रैक्शन ऑफ रहेगा, और अगर आप इससे ऊपर वाला मोड जो लगाते हो स्पोर्ट मोड से ऊपर वाला राइडर मोड, तो उसमें ट्रैक्शन बंद हो जाता है, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फुल पावर, अंधी भगाओ, अगला टायर उठाओ, जो मर्जी करो। बॉटल मिल जाएगा देख लो, अब कोई पाइप होगा जिसे टंकी से निकालू, वीडियो बनाने के लिए चाहिए था ना, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने के लिए पाइप कहां से लाऊं, मतलब आप पे कोई पाइप हो जिससे पेट्रोल निकालने का, उसका पावर उस मैकेनिक के पास होगा, तो इसी में डाल दो फिर 1 लीटर। भाई पेट्रोल निकालने का पाइप होगा क्या? तो थोड़ी सी मेहनत के बाद मैंने पेट्रोल वगैरह निकलवा चुका है, पेट्रोल पम्प में तो मिलता नहीं यार, अब बॉटल में ज़्यादातर पेट्रोल पम्प में, मेरे घर की तरफ तो नहीं मिलता। सो मैंने पहले ही पेट्रोल डलवा लिया इसमें टैंक में ही, और फिर बॉटल में से निकलवा चुका है, तो बाकी अब देखते हैं
जितना पेट्रोल इसमें था उतना ही होगा इसमें, क्योंकि जितना मैंने डलाया था वो मैंने निकाल चुका है 2 लीटर पूरा, क्योंकि 1 लीटर डाल के हम इसमें टेस्ट करेंगे और फिर जब ख़त्म हो जाएगा तो वापस पेट्रोल पंप तक पहुँचने के लिए भी मुझे कुछ चाहिए, तो इस वजह से मैंने 2 लीटर पेट्रोल निकलवा चुका है। और बाकी पेलते हैं अब इसे थोड़ा और देखते हैं कहाँ तक बंद होती है ये। पहला मिस मारा गाड़ी ने अभी, तो यानी कि पेट्रोल होने वाला है ख़त्म। मिस भी बहुत भयंकर मार रही है भाई, तो डरा दिया इसने मेरे को। ये देख लो अब गाड़ी होने लगी है बंद, मैंने थ्रॉटल पकड़ रखा है फिर भी गाड़ी बंद हो रही है अपना आप। गई, स्टार्ट करके देखते हैं एक बार दोबारा हो रही है। ज़्यादा बार ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि इसका फ्यूल पंप उड़ाने का मन नहीं है फिलहाल मेरा। नहीं हो रही भाई, एक बार आपको न्यूट्रल करके भी दिखा देता हूँ मैं। नहीं हो रही है। 100 किलोमीटर्स देख सकते हो आप लोग, 3164। तो अब इसमें पेट्रोल डाल लेते हैं और 1 लीटर ही पेट्रोल डालेंगे फिलहाल, उसमें देखते हैं कितना चलती है ये। एक बार उतर के डाल लेता हूँ ठीक से। सो ये देख लो 1 लीटर का पूरा पेट्रोल मैंने इसमें डाल चुका है, और ये बॉटल देख लो 1 लीटर की आती है, तो इसे फ़िलहाल बैग में ही रख लेते हैं, फेंकेंगे नहीं। और अभी इसे लेके चलते हैं कि कितना चलती है अभी। सो 1 लीटर पेट्रोल जो है वो मैंने इसमें डाल चुका है, और स्टार्ट क्यों नहीं हो रही भाई। तो अब तो देखो हो चुकी है स्टार्ट ये, बाकी स्पोर्ट्स मोड में है तो आप लोगों के लिए डाल देता हूँ एक बार मैं इसे रोड मोड में, ये देख लो, क्योंकि ये नॉर्मल मोड है इसका, क्योंकि हर कोई स्पोर्ट्स मोड में नहीं चलाता, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी रहती है कि भाई माइलेज निकालना है, कईयों को होता है, तो इस वजह से मैंने इसे फ़िलहाल रोड मोड में डाल चुका है। थोड़ी देर के लिए स्पोर्ट्स मोड में भी डालेंगे, तो चलते हैं फिलहाल। देखो मैंने आपको बता ही चुका है 3164 किलोमीटर अभी चली हुई है, बाकी अब देखते हैं कि कितना माइलेज देती है। तो फिलहाल अभी थोड़ी अच्छी रोड है, बट मैंने डाली हुई है रोड मोड में, तो जिस हिसाब से रोड में चलती है नॉर्मल बाइक सिटी में वैसे ही चलाएंगे इसे। एंड आगे जब मैं स्पोर्ट्स मोड डाल दूंगा तो थोड़ा खींचेंगे बाइक को, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। और वैसे आप लोगों को छुपाना क्या, लास्ट में तो आप लोगों ने देख ही लेना है कितना माइलेज देने वाली है। तो मैं अगर अपना हिसाब बता दूँ ना तो मुझे लगता है 10 से 12 का माइलेज देगी। एंड वैसे एक दो मेरे दोस्त हैं जो ओन करते हैं Z900, तो वो बताते हैं कि 15 तक का भी दे देती है, बट वो उनके हिसाब से है, और उनमें मेरे ख्याल से फुल सिस्टम भी नहीं है, डी कैट नहीं करवा रखा उन्होंने, तो इस वजह से क्या पता उन्हें दे दे। मैंने फुल सिस्टम करा रखा है एग्जॉस्ट, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है माइलेज में, परफॉर्मेंस में, तो वो देखते हैं अभी फिलहाल लास्ट में पता चल जाएगा, बट मेरा हिसाब यही है 10 से 12। सो फिलहाल आप देख सकते हो बाइक चल चुकी है 3169 किलोमीटर्स, यानी 5 किलोमीटर्स हमने चला चुकी है। तो अब इसे डाल लेते हैं स्पोर्ट्स मोड में, फिर देखते हैं कैसा रहता है। सो ये आ गई बाइक स्पोर्ट्स मोड में, ये देख लो आप। Let's unleash this beast. यहीं आ जा भाई, यहीं आ जा, मेरे आगे आ जा। ओके, एवरेज स्पीड थी। अब
अब 5 किलोमीटर हमने नॉर्मल चला चुके हैं, तो बाकी अब थोड़ा पेल के देखते हैं इसे। यहाँ देखते हैं कितनी लगती है। ओके 160, ज़्यादा नहीं होऊंगा क्योंकि थोड़ा बहुत लोग भी आते रहते हैं और देख सकते हो आप गाय गुए भी हैं यहाँ पे रोड पे, तो इस वजह से। हाईवे तो ये है नहीं कि मतलब इसमें टॉप स्पीड वगैरह मैं चेक करूँ मैं कितना दे रही है माइलेज, क्योंकि इतनी ज़्यादा टॉप स्पीड ले जाते नहीं है कहीं। 150-160 नॉर्मल आप यहाँ की रोडों में, इससे ज़्यादा और कितना ही ले जाओगे। यहाँ से ले लेते हैं यू टर्न, क्योंकि ये चल चुकी है 3173 किलोमीटर्स, यानी कि 9 किलोमीटर्स हमने चला चुका है। चलो अब एक बार अपना वाला मोड भी डाल ही लेते हैं यार। ये आ गया रोड मोड, ये है रेन मोड, एंड ये है राइडर मोड, जिसमें कि आप देख सकते हो KTRC ऑफ लिखा रहा है, कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड पावर यहाँ पे फुल हो रखी है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है। पावर आप कम भी कर सकते हो, बट कम पावर का क्या करना, कम पावर चाहिए होती है 319 ला जाता मैं। अपना मोड हेलो, ये आई कुछ बात, ये उठी जा रही है, ये दूसरा तो गियर ही नहीं लाया अभी मैंने, अभी तो पहले ही गियर में उठ रही है। हाईवे तो है ही नहीं ना यहाँ, जो दूसरे गियर में उठा दूँ इसे, हो जाए एक और हो जाए, खाली रोड है। हाँ हाँ ट्रैफिक आ रहा है आगे से यार, मन सा नहीं हो रहा मेरा ट्रैफिक में ना, मेरा मन सा नहीं होता ऐसे व्हीली वगैरह करने का। चलो फिलहाल थोड़ा कम है तो ये लो, ये कैमरा नीचे हो गया यार, बताओ 100 किलोमीटर सब देख लो, 12 किलोमीटर चल चुकी है 1 लीटर पेट्रोल में, क्योंकि 3176 हो चुका है, 164 पे मैंने डाला था पेट्रोल और 76 हो चुका है, यानी कि 12 तक का माइलेज तो अब तक इसने दे चुका है, बाकी अभी देखते हैं। और जैसे हम ऐसे माइलेज टेस्ट करते हैं ना कि एकदम कम का या फिर एकदम फुल करा के टैंक, तो उसमें पेट्रोल अपना पूरा पोटेंशियल देता है, मतलब टैंक कि पूरा जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक का। अगर हम बीच में देखें तो जिस टाइम पे हम 4-5 लीटर पेट्रोल रखते हैं तो उस टाइम पे हमें बीच में कम देती है माइलेज, अगर मान लो अभी 14 निकलता है तो उस टाइम पे मुझे 12 देती होगी, क्योंकि उस टाइम पे पूरा एकदम लास्ट तक नहीं खींचती वो माइलेज। तो देखते हैं फिलहाल अभी कितना निकलता है। पहला मिस मार चुका है गाड़ी ने, आधा किलोमीटर भी नहीं चलने की अभी हो गया इसका, हो गई बंद। ओके हो गया इसका टाटा वाइब है। तो एक बार आप चेक कर लो कितनी चली हुई है, 3181। बाकी स्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार हो रही कि नहीं, पहले थोड़ा साइड कर लेता हूँ बाइक। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो 3181 किलोमीटर चली हुई है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए हमारा माइलेज तो 16 के आसपास आया, 16-17 के आसपास, 17 बने बोलेंगे, 16 ही मान लो क्योंकि 180 में ख़त्म हो गई थी, जस्ट अभी हुआ है 181। तो बाकी अब इसमें पेट्रोल डाल लेता हूँ, जिससे कि ये मुझे पेट्रोल पम्प तक जाने के लिए मदद कर दें। सो जैसे कि आप लोगों ने देख ही चुका है कि माइलेज इसने मुझे दिया 16 किलोमीटर्स का 1 लीटर पे, तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ड्यूक भी 15-20 के बीच में देती है और ये भी उतना दे रही है, तो काफ़ी सही चीज़ है। एंड देती है वैसे इतना नहीं है, अगर मैं अपना हिसाब बता दूँ कि भाई इतने टाइम से बाइक चला के इतना तो पता चल ही जाता है कि भाई बाइक कितना दे रही है माइलेज, तो 12-13 अगर मैं अच्छे से चला लूँ, और अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छे से चला लूँ मतलब इन द सेंस की राइड वगैरह पे, तो वहाँ 10 तक का, इससे ज़्यादा नहीं देती मुझे, इतना मुझे पता है पक्का।
बट अभी मैंने 5-6 किलोमीटर आपने देखा था कि आराम से चलाई थी, और बाकी के फिर मैंने थोड़ा बहुत चला दी थी, बट जहाँ पर ट्रैफिक था वहाँ तो फिर आराम से चलानी पड़ती है। तो उस वजह से इसने फ़िलहाल मुझे दे चुका है 16 का माइलेज, और ये कोई बुरा माइलेज नहीं है अगर देखा जाए। अगर कोई अगर नॉर्मल सिटी में यूज़ कर रहा है इसे, हाईवेज़ वगैरह पे नॉर्मली जा रहा है, कोई अगर ऐसे जैसा हमारा है वैसा वाला सीन नहीं है जिसका ऐसी पेलने का विलीज वगैरह का, तो उसके लिए सही है, उसके लिए माइलेज तो काफ़ी सही है। क्योंकि आप सुपर बाइक से ज़्यादा माइलेज क्या एक्सपेक्ट करोगे यार, 900 cc है, 950 cc आती है, वैसे तो 900 बोला जाता है, बट ऑन पेपर देखा जाए तो 950 cc आती है। तो इतना बड़ा इंजन आपको इससे ज़्यादा माइलेज नहीं दे सकता भाई, अगर आप किसी और बाइक में देखोगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छा माइलेज टेस्ट में और कुछ कर सकता था, क्योंकि मैंने हर तरीके से चला के आपको दिखा चुकी है। ये हाईवे नहीं ले गया बस, क्योंकि हाईवे यहाँ वो इतना पास है नहीं, अगर मैं हाईवे जाता तो वहीं सारा टाइम लग जाता मुझे, वहाँ माइलेज टेस्ट हो भी नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल पम्प भी काफ़ी दूर दूर रहते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा इसमें क्या इशू आ रहा है, वो हम लोग सही कराने जाने वाले हैं, टेल लाइट वगैरह डलने वाली है, और जल्दी से जल्दी फ़िलहाल आपको कराने हैं 50K, क्योंकि 50K पे अपनी बाइक होने वाली है कुछ धमाकेदार अपनी बाइक पे होने वाला है। जैसे 390 को करा था ना हमने, बढ़िया वाला तैयार। वैसे मैं उस ग्राफिक से बोर हो चुका हूँ, बोर इन द सेंस कि हाँ ठीक है वो कराया था, बट अब मैं कुछ और कराने की सोच रहा हूँ उसमें, और उससे पहले इसमें होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई बाइक में करवाओ कुछ करवाओ, तो करवाने तो वाला हूँ मैं, बट थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, और 50K पे होने वाला है काम, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। 50K में चलो रिवील कर देंगे जो भी होगा, 50K से थोड़ा पहले ही कर देंगे, तो 50K कराना है आपको जल्द से जल्द। 47 पे हम पहुँच चुके हैं, और बाकी इंस्टा हैंडल में नीचे देर का होगा, वहाँ पे भी प्यार दिखा दो थोड़ा, क्योंकि यहाँ आने से पहले वहाँ आ जाता है कुछ भी कंटेंट जो भी मैं डालता हूँ, और स्टोरीज वगैरह में पता चल जाता है, आप लोगों को पता चल जाएगा, मतलब अगर आप फॉलो कर दोगे तो, कि क्या नेक्स्ट वीडियो वगैरह आने वाली है। इस वीडियो में इतना ही यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर देना, और वीडियो कर देना शेयर, बाकी 900 वाले के साथ पक्का शेयर करना है, या फिर कोई सुपर बाइक वाला होगा तो चैनल को कर देना और सब्सक्राइब, जल्दी जल्दी 50K हिट करने हैं अपने को। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।